योगी जी का कहना है कि ऐसे जो शाहीन बाग में औरतों को आगे करके जो मुसलमान मर्द है वो रजाई में सो रहा है, क्या ये कितना बोलना उनका सही था और ये कहाँ तक सही है? ये जब तक मोदी जी, योगी जी और ये अमित शाह जैसे लोग हमें ये हमारे ऊपर ये टिप्पणी करते रहेंगे, तो हमारी औरतों ने खुलेआम ये बयान दिया है कि हमारी जंग, हमारी लड़ाई नामर्दों से है। अगर हमारी लड़ाई मर्दों से होती तो हमारे मर्द बाहर आते थे। हमारी औरतों ने ये कहा है कि हमारी लड़ाई हिजड़ों से है और वो हिजड़ों से हम ही लड़ेंगे बोलकर हमारी औरतों ने ये उनको कमेंट किया। ये तो बहाना है, वो बोल रहे कि ये तो बहाना है, छुपने के बहाना है, ये तो जुमले है, जुमलों से छुप रहे। हम लोग तो खुलेआम मार रहे, पिस्टल लहरा रहे, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग तो रजाई में ही है। हमें हमारा संविधान इजाज़त नहीं देता है कि हम पिस्तौल निकालें, हमें हमारा इस्लाम इजाज़त नहीं देता है कि हम पिस्तौल निकालें। अगर हमारे ईमान और हमारे दीन पर अगर कोई आँच आती है तो हम उन्हें दिखाएंगे पिस्तौल और तलवार क्या चीज़ है। हमें उस वक्त तक हमें उतनी शिद्दत आने तक मजबूर ना किया जाए। हम इस देश के संविधान पे भरोसा करते हैं और इस देश के संविधान के ऊपर चलते हैं इंशाल्लाह ताला। उनकी आवाज़, हमारी आवाज़ हम गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए हमारा एक प्लेटफॉर्म है ना, ये यही रास्ता ना हमारे को गवर्नमेंट तक हमारी बात पहुंचाने के लिए, हम वो कर रहे हैं बस। जो ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनकी फैमिली का नाम और उनके खानदान का नाम NRC में नहीं आया, वो लोग ही परेशान हो गए ना, तो मुसलमान परेशान हो रहे ना, बता रहे ना मुसलमान परेशान हो रहे। 14 लाख हिंदू भी आए उसमें लिस्ट में, तो हिंदू भी परेशान हो रहा है। मगर अगर NPR NRC नहीं आया तो इलीगल इमिग्रेंट निकालेंगे कैसे इंडिया से? जैसा कि आप CAA के थ्रू सिटीजनशिप देने का वादा कर रहे हैं, अगर वहाँ से पाकिस्तान से कुछ आतंकवादी हिंदू बनकर इंडिया में आए तो उसका जिम्मेदार कौन? उसका भी जिम्मेदारी लेना चाहिए ना। अगर एक 500, 1000, 2000 मुसलमान जो मतलब वहाँ के जो आतंकवादी है हिंदू बनकर अगर इंडिया में आ गए तो उसके जिम्मेदार, तो इसका बोलने का मतलब पाकिस्तान में मुसलमान ज्यादातर आतंकवादी है। मैं पाकिस्तान की बात नहीं बोल रहा हूँ, कहीं पर भी है, कहीं पर भी बोल, तो तीन देश से आ रहे, तीनों मुसलमान देश है, तो वहाँ से आतंकवादी है मुसलमान? मैं ऐसा नहीं बोल रहा, देखिए कैसा है मालूम है, दूसरी कंट्री के लोग पाकिस्तान आकर पाकिस्तान इंडिया आ सकते ना, दूसरी कंट्री के लोग बांग्लादेश जाकर आ सकते ना। दूसरी कंट्री कौन सी आतंकवादी है? कहाँ पर?